जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टिशू के बारे में, यानी ऊतक के बारे में। क्या होता है ऊतक, क्या होता है, ठीक है। ऊतक दो टाइप के होते हैं, एक एनिमल में देखा जाएगा और दूसरा प्लांट में देखा जाएगा। एक एनिमल, दूसरा प्लांट। ऊतक बनते कैसे हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, यानी सेल से मिलकर एक टिशू का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले एक सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से बनता है क्या? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी बनती है, ठीक है। इतना समझ में आ। जैसे मैं बात करूं, एक ईंट से क्या बना? एक दीवार है, एक टिश्यू है, और इस दीवार, चारों दीवार को क्या बोल देंगे? एक ऑर्गन है, और ऐसे कई सारे ऑर्गन है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। यानी कई सारे रूम है तो ऑर्गन सिस्टम, और सब रूम को मिला के क्या बोला जाता है? एक घर। उसी टाइप से हमारे बॉडी में है, एक सेल बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाती हैं? एक ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी बनती है, ठीक है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल के बारे में, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। ये एनिमल के बारे में है, यानी जीवित कोशिकाओं में हम देख रहे हैं। प्लांट के बारे में, वो भी जीवित ही हैं, लेकिन हम एनिमल से समझते हैं कि एनिमल में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो टिश्यू होते हैं उसको हमने चार भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? चार भागों में। नंबर एक मस्कुलर टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक। नंबर दो पे आ गया न्यूरॉन ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू यानी न्यूरॉन ऊतक। नंबर तीन पे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। नंबर चार पे है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। यहां तक देखने में आ रहा है आप लोगों को समझ में? यहां तक बताओ आया कुछ? सुनो, चार टाइप के टिश्यू मैंने बता दिए। अब इस चारों में क्या क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। देखो भाई, पेशी ऊतक क्या होता है? पेशियां, जो मांसपेशियां होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? मसल सेल, मस्कुलर सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की पेशियां हैं, मांसपेशियां, सबसे छोटी मांसपेशी कहां पाई जाती है? कान में। सबसे बड़ी कहां पाई जाती है? जांघ में, ठीक है। तो कुछ मांसपेशियां आपको याद रखना होगा कि मांसपेशियां किस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। तो कौन से टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं याद करना है, थोड़ा ही बताना है यार, ज्यादा कुछ नहीं याद करना है इसमें। मांसपेशियों से मिलकर बनी मांसपेशियां हो पाई जाती हैं, जिसको मांसपेशियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मसल्स, ठीक है। मसल्स होती हैं। मसल्स कितनी होती हैं भाई हमारे बॉडी में? 639 यानी 639, ऐसे याद कर सकते हो, 639, ठीक है। 639 होता है ना, ऐसे याद हो जाएगा कि हमारी मांसपेशियां किससे बनी होती है? पेशियों तक से। जितनी भी मांसपेशियां आपकी जो बॉडी की मांसपेशियां हैं, मांस हैं, किससे मिलके बनी होती हैं? मांस मस्कुलर टिश्यू से, यानी पेशी ऊतक से मिलके बनी होती हैं। बात करते हैं न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू का मतलब है न्यूरॉन ऊतक। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ये पूरी बॉडी में फैला रहता है, लेकिन ब्रेन से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अभी न्यूरॉन सेल आपके डैमेज हो जाए तो आपकी बॉडी क्या करने लगती है? पैरालिसिस होना लगता है। अगर किसी पार्ट में न्यूरॉन सिस्टम काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। यानी न्यूरॉन ऊतक जो होता है, ये दो टाइप के होते हैं। न्यूरॉन ऊतक कितने प्रकार के? दो। एक न्यूरॉन सेल, सॉरी न्यूरॉन ऊतक जो होता है किससे मिलकर बना होता है? दो सेल से। एक होता है न्यूरॉन सेल, दूसरा होता है ग्लियल सेल। मैंने ग्लियल सेल के बारे में कैंसर वाले टॉपिक में बताया कि ग्लियल सेल की वजह से ही सर का कैंसर होता है, यानी ब्रेन में कैंसर होता है। याद रखना, न्यूरॉन सेल कभी भी डिवीजन नहीं करती हैं, जबकि ग्लियल सेल डिवीजन करती हैं। हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल होती हैं, जबकि 10% ग्लियल सेल होती है। यही तो बताया था, ठीक है। ये कहां पाए जाते हैं न्यूरॉन टिश्यू? हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है संयोजी ऊतक। कनेक्ट करने का, एक दूसरे को जो कनेक्ट करने का काम करे वो क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू। आपको ऐसे याद रखना, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर दे, कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। एग्जांपल कैसे कैसे आ सकते हैं? पूरा ब्लड है, ब्लड किस में आ सकता है भाई? पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो पूरे ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू
का एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? ब्लड। दूसरा क्या आएगा? लिम्फ आएगा, जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ का काम क्या होता है? प्रतिरक्षा देना, आपको एंटीबॉडी देनी, समझ में आ गया, आपके शरीर को बीमारी से बचाने का काम करता है लिम्फ। तीसरी चीज बोन, जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, ये भी क्या काम करती हैं भाई? कनेक्टिव टिश्यू का मिलके बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनती हैं। कौन कौन बनती हैं? बोन, ब्लड और लिम्फ। ठीक, बोन, ब्लड और लिम्फ, इतना याद रखना। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड करना है, एक सिंपल और दूसरा संयोजी। सिंपल में आपको आ जाएगा कौन कौन, जैसे कोबाइडल आ गया, कॉल्यूमनर आ गया, और क्या आता है, लाइनर आ गया, और फाइब्रस आ गया, ऐसे बहुत सारे टिश्यू आएंगे। किसमें आएंगे? वो सिंपल में आएंगे, कनेक्टिव टिश्यू के सिंपल में आएंगे। ठीक है, सुनो, जैसे अभी मैं बात करूं, मेरा ब्लड, ये पूरा ब्लड कहां से मिला है? अगर मेरा हाथ का ब्लड कभी तो जाएगा पैर में, जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी पूरे बॉडी का जितना ब्लड है, जितना लिम्फ है, जितना हड्डियां हैं, सब कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। समझ में आ गया? कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। अब कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल में मैंने बताया कि कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स आप समझना, जो सेल, जो टिश्यू बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सब उसमें, उसके अंदर प्रेजेंट है, उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलता जाता है। ठीक है, सुनो, ये जो कनेक्टिव टिश्यू का सिंपल फॉर्म है, अभी इसको रुकना, इसको और ज्यादा डिटेल से समझाना है। बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, इसका नाम होता उपकला, उपकला ऊतक। उपकला का मतलब है कि ऊपर वाली लेयर, कोई बॉडी, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी ऊपर से लेयर से ढकी हुई है, स्किन से ढकी हुई है। ये क्या है? स्किन किससे मिलके बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। एपिथेलियल टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या मतलब? जो बाहरी त्वचा है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के जस्ट ऊपर वाली लेयर क्या होती है? ये सब क्या है? एक्सटर्नल। और जो अंदर है वो क्या होगी? इंटरनल। जो एक्सटर्नल होगी भाई, जो बाहरी त्वचा होगा, बाह्य त्वचा, बाह्य उपकला जो होगी, ये पानी से दूर होना चाहती है, यानी लिक्विड चीजों से दूर रहना चाहती है, जबकि इंटरनल एपिथेलियल टिश्यू लिक्विड के संपर्क में रहना चाहती है। जैसे अभी आप नहाते हो या कपड़ा धुल रहे होगे, कपड़ा धुलते वक्त क्या होता है कि आपके हाथों में झुर्रियां पड़ जाती है ना, प्रिंकल पड़ जाती है कि नहीं पड़ती है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि ये जो टिश्यू हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये उनसे दूर होना चाहते हैं। ठीक है, जबकि अभी मैं जीभ की बात करूँ, जीभ मेरा क्या है? इंटरनल है ना, तो इंटरनल ये गीला रहेगा या सूखा रहेगा? हमेशा गीला होना चाहिए, क्योंकि सूखा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम तब भी हो जाएगी आपको। यानी अंदर वाली जितनी लेयर है, अंदर की जो लेयर है, इंटरनल लेयर से है, लेकिन मिलके किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना। समझ में आ गया? ये जो लेयर है, ये आपको क्या करती है? एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है? एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना, आपको प्रोटेक्शन देना। अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या होगी? हम ही को खुद को नष्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जैसे अभी मान लो मार्केट जाते हो, तो पहले कोई सामान लेते हो तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग पन्नी में रखता है, रखने के बाद एक बड़ी पन्नी में रखता है। यानी दो लेयर हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, एक तो पूरी बॉडी को कवर कर रही है, और दूसरा जो पार्ट जिसमें है उसको एक कवर करते हैं। जैसे ब्रेन के पार्ट में, ब्रेन को कोई और पन्नी झिल्ली से ढका होता है, मेम्ब्रेन से। हार्ट के ऊपर कोई और झिल्ली पाई जाती है, किडनी के ऊपर कोई और झिल्ली, लीवर के ऊपर कोई और झिल्ली पाई जाती है। यानी हर एक चीज झिल्लियों से मिलके, झिल्लियों से के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो खराब ना हो, यानी उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जैसे अभी आपने सामान लेकर आया, कि बहुत सारे सामान लेकर आया, बहुत सारे पन्नी में रख के, उसके बाद क्या बोलते हो कि एक बड़ी पन्नी दे दो, और सभी बड़ी पन्नी में सबको रख के लेके चले आते हो। क्यों भैया? उसको तो प्रोटेक्शन दे रहा है ना, अगर ना हो, कोई पन्नी ना हो तो सब आपस में मिल नहीं जाती क्या?
दाल चावल जितने भी आप लेके आते हो, दाल चावल चना जितने भी कुछ लेके आते हो, वो सब आपस में मिल जाते हैं कि नहीं मिलते? अगर कोई पन्नी नहीं होती तो, अगर एक ही पन्नी होती तो मिल जाते ना। इसलिए ऐसे हमारे बॉडी के अंदर, पता चला आपके लीवर के ऊपर कोई पन्नी नहीं है, किडनी के ऊपर कोई पन्नी नहीं है, तो पता चला लीवर और किडनी आपस में ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं। किडनी की जगह पे लीवर आ गया, लीवर की जगह पे किडनी आ गया, हार्ट पता चला गायब हो गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए हमें अपनी बॉडी के ऊपर कवरिंग जो नेचुरली होती है, उस किससे मिलके बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। जो स्किन है हमारी, ये किससे मिलके बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। यहां तक समझ में आया? एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, प्रतिरक्षा, प्रोटेक्शन, आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया क्यों बोल रहा हूं? सुनो, बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे चल रहा था जो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करूं, देखो मैंने यहां पे मान लो ए लाइनर बना दिया, लाइनर ब्लैक वाला लाइनर है, यहां पे कोबाइडल शेप बना दिया, यहां पे क्यूबिकल शेप बना दिया, कोबाइडल ए शेप बना दिया और कोबाइडल से कॉलमनर शेप ए बना दिया, हो सकता है फाइट्रस भी बना दो इसी में। तो इसको, ये सब कौन से टिश्यू हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ये सब कनेक्टिव टिश्यू में आ रहे हैं, सब कनेक्टिव टिश्यू हैं, आपस में कनेक्ट हुए हैं। लेकिन एक चीज सुनना, कोई चीज अगर जुड़ती है तो उससे जोड़ने के लिए कुछ की जरूरत तो होगी, कुछ चीजों की। जैसे दीवार है, दीवार अगर जुड़ी है तो किसके बेस पे? ईंट के ऊपर ईंट रखा गया, लेकिन ईंट कैसे जुड़ा हुआ है? सीमेंट से जुड़ा हुआ है ना। ऐसे अगर हमारे टिश्यू आपस में जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। जिससे जुड़ते हैं उसका नाम होता है एडिपोज टिश्यू। किससे? एडिपोज टिश्यू की वजह से जुड़ते हैं, जिसको मैं रेड कलर हल्का हल्का दिया हूं। ये देखो, आपस में जुड़ेंगे तो कहीं खाली जगह तो रहेगा ना भाई, खाली जगह तो रहेगा कि नहीं रहेगा? देखना, ये सब जो खाली जगह है, इसके जगह पे क्या भरा हुआ है भाई? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भरा हुआ है। अब ये एडिपोज टिश्यू का वर्ग क्या है? एडिपोज टिश्यू का क्या वर्ग है? सुनो, एडिपोज टिश्यू का काम होता है आपके बॉडी को ग्रो कराना। यानी ग्रो का मतलब मैं बता सकता हूं कि खिला रहता है, चेहरा खिला रहेगा, पूरी बॉडी खिली रहती है। कैसे? बुढ़ापा जब अवस्था आती है ना, तो यही एडिपोज टिश्यू क्या होने लगते हैं? खत्म होने लगते हैं। तो शरीर पे झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। पता, आपको पता होगा कि अगर बूढ़े लोगों की स्किन देखी जाए तो बहुत ज्यादा क्या होती है? लचीली हो जाती है ना, पूरी बॉडी क्या कर जाती है? लचीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू उनके बॉडी से खत्म हो रहा है। एडिपोज टिश्यू अगर है आपके बॉडी में तो आपकी बॉडी को क्या करता है? खिला हुआ रखता है। एक प्रकार का फैट होता है एडिपोज टिश्यू, एक प्रकार का फैट होता है, ठीक है। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट में माना जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट भी माना जाता है इसको, एडिपोज टिश्यू को। सुनो भाई, ये जो रेड वाला मैंने बताया, ये सब क्या है? ये फैट है, एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, फैट है या एडिपोज टिश्यू है। इस एडिपोज टिश्यू का वर्क तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे। अभी देखो, हमारा एक घुटना है यहाँ पे, ठीक है, ये बता रहा हूँ कोहनी। इस कोहनी पे क्या हो रहा है? अभी आपको काला दिख रहा होगा, काला दिख रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे स्लिम करूं तो क्या कैसा दिख रहा है? गोरा हो जाता है। यानी आपस में क्या हो रहा है, अगर टिश्यू वहां पे अगर जॉइंटेड ज्यादा हो रहा है या ज्यादा सिकुड़ रहे हैं तो वो चीज काला दिखाई देने लगता है, ठीक है। समझ में आ गया? ए हो गया, पैर की कोहनी हो गई, घुटना हो गया, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं भाई? एडिपोज टिश्यू क्या हो रहा है वहां पे? कम है, ठीक है, वहां पे टिश्यू आपस में क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा कनेक्ट के रूप में आ रहे हैं, झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जा रही है। ऐसे बुजुर्ग अवस्था में होती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, ये मेल में करीब फीमेल के अपेक्षा, फीमेल में मेल के अपेक्षा 15-20% ज्यादा होता है। इसलिए फीमेल मोटी होती है और मेल दुबले होते हैं। अब मेल को बहुत पता चलता है कि भाई अगर ज्यादा रोटी खा रहे हैं तो भी उतने ही मोटे रहेंगे, फीमेल से अगर दो ही रोटी खा जा रही हैं तब भी बहुत ज्यादा मोटी हो जा रही है। रीजन क्यों है भाई? क्योंकि उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू कम है, ठीक है। उनको, जिनके अंदर फैट एडिपोज टिश्यू ज्यादा, उनको ठंडक कम लगती है, ठीक है। जिनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा रहता है, अब औरतों को ठंडक कम लगता है और आदमियों को बहुत ज्यादा लगता है। रीजन क्यों होता है, समझ में आ गया?
क्योंकि उसके अंदर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कभी कोई सी औरत को देखे हो कि काम करते वक्त पूरा पहन के, स्वेटर ठंडक में, स्वेटर फिर चद्दर कुछ नहीं, उतना नहीं होता उनको। ठीक है, अब मेल को तो भैया दस ओढ़ के बैठे रहेंगे, दस पहन के भी बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं, भैया बहुत ठंडक लग रही है। मेल को बहुत ज़्यादा ठंडक लगता है, किसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू कम रहता है, जबकि फीमेल में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा रहता है। समझ में आ गया, इसलिए उनको ठंडक कम लगती है, हमें ठंडक ज़्यादा लगता है एडिपोज टिश्यू के कारण। यहाँ तक समझ में आ गया, एडिपोज टिश्यू क्या है, एक प्रकार का फैट है, एक प्रकार का क्या है, फैट है, फीमेल में ज़्यादा और मेल में कम। समझ में आया, शादियों में देखे होंगे अगर मेल और फीमेल जा रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं, तो हस्बैंड तो बहुत कुछ पहना होगा भाई, लेकिन वाइफ तो नहीं पहनी होगी उतना कुछ। ठीक है, उनको हमेशा गर्मी ही लगा रहता है, लगता है कि हमेशा वो गर्मी के माहौल में ही है। ठीक है, और आदमी पता चला इतना ठंड उसके मारे जूझ रहा है। समझ रहे हैं, किसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है। समझ में आ गया, एक पूरा टिश्यू मेल के पास, सॉरी एनिमल में पढ़ाया, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा किसके वजह में, प्लांट के बारे में, प्लांट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज मैं इतने के लिए अवेलेबल, इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, थैंक यू क्लास।